हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोग को रेडमी नोट 10 प्रो का कंप्लीट गेमिंग टेस्ट करने वाला हूं विथ MIUI 13 अपडेट आफ्टर एंड्रॉयड 12 और PUBG 2.0 का भी अपडेट आ चुका है। तो अब 2.0 के वास्ते क्या हो रही है, काफ़ी सारे बग्स को फिक्स किया गया है। अब मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है, जो OS वर्जन है, उसके साथ साथ आपको जो PUBG का वर्जन है उसको भी देखना पड़ेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियोज बनाई थी, वहाँ पर आप लोग को बताया था आफ्टर एंड्रॉयड 12। बट आफ्टर एंड्रॉयड 12 क्या हो रहा था कि जब से भी एंड्रॉयड 12 का अपडेट आया ना, काफ़ी सारे डिवाइस में आपको जो एंड्रॉयड 12 है वो काफ़ी सारे ऐप के साथ में कंपेटेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए बहुत सारा एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहा है आफ्टर एंड्रॉयड 12 के बाद से। इनफैक्ट ये आपको जो भी एंड्रॉयड 12 का अपडेट आया है किसी भी फ़ोन में, चाहे वो वीवो का हो, Xiaomi का हो, ओप्पो का हो, कोई भी फ़ोन हो, समझ गए, तो उसको एंड्रॉयड 12 पे वो एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऐप को भी इम्प्रूव करना, ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा। तो इसके लिए आज यहाँ पर PUBG जो है काफ़ी सारे डिवाइस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था एंड्रॉयड 12 के अपडेट के वास्ते। तो PUBG का भी अपडेट आ चुका है 2.0 का, और 2.0 के वास्ते देखते हैं कि PUBG के हिसाब से इस फ़ोन में जो है क्या क्या प्रॉब्लम फिक्स की गई है, जो पहले जो पुरानी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, जो कभी कभी अचानक से जो आपको PUBG क्रैश हो जा रहा था, तो वो प्रॉब्लम फिक्स हुआ या फिर नहीं हुआ है, मैक्सिमम FPS कितना देखने को मिलता है, ग्राफिक्स जो है आपको कितना बेटर देखने को मिलता है, पहले से FPS ड्रॉप हो रहा है क्या, कोई हीटिंग इश्यूज है क्या, ब्राइटनेस ड्रॉप इश्यूज है क्या, क्या बैटरी ज़्यादा ड्रेन कर रहा है क्या, मतलब कि कंप्लीट जो एक परफॉर्मेंस होता है ना, उस सारे के बारे में कंप्लीट जान लूँगा। और आपको ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा इस आपको वीडियो के एंड में कि आपको गेमिंग के लिए फ़ोन बाय करो या फिर ना करो, गेमिंग के लिए फ़ोन 2022 में 2022 में ये फ़ोन कैसा रहेगा। तो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली और यूजफुल वीडियो है, तो वीडियो को पूरा एंड देखना पड़ेगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब ऑब्वियसली कर दो यार, हमेशा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक कर दो छोटा सा मोटिवेशन के लिए, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, और अगर कुछ क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, वहाँ पर आपको हमेशा रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सेटिंग दिखा दूँ, तो मेरा जो OS वर्जन एंड UI वर्जन है दोनों यहाँ पर आपको MIUI 13 एंड Android 12 आपको देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर में। उसके बाद अभी देखते हैं कि Android 12 के वास्ते क्या प्रॉब्लम फिक्स किया गया है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं आपको गेमिंग मोड के अंदर में, जैसे आपको यहाँ पर FPS वगैरह शो हो रहा होगा, 30 FPS शो हो रहा है, अभी यहाँ पर CPU GPU वगैरह सारा कुछ यहाँ पर शो होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, टर्न ऑफ स्क्रीन वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पर क्विक एक्सेस के थ्रू यहाँ पर इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद ग्राफिक्स की यहाँ बात कर लेंगे, तो ग्राफिक्स आपको इसमें 2.0 के अपडेट के वास्ते, PUBG 2.0 के अपडेट के वास्ते ग्राफिक्स एंड ऑडियो के ऑप्शन ऐड कर दिया गया यहाँ पर। इसमें आप इजीली ग्राफिक को सेट कर सकते हो, स्मूथ और अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिलता है, 40 FPS पर गेमिंग कर सकते हो यहाँ पर, 60 FPS का ऑप्शन अभी भी आपको देखने को नहीं मिलता है इस फ़ोन के अंदर में। ऑडियो का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अल्ट्रा का ऑडियो जो ऑप्शन होता है वो आपके डिवाइस के लिए अभी भी सपोर्टेड नहीं है, यानी आप अल्ट्रा ऑडियो का मज़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर ऑलरेडी हाई वाले ऑडियो का ही मज़ा लेना पड़ेगा। उसके बाद चलिए आप फटाफट यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं गेमिंग और FPS वगैरह का यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी FPS की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको देखो 34 FPS हो रहा है यहाँ पर, यानी 40 FPS के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फोन में। अब देखते हैं कि FPS जो है कितना ड्रॉप होता है गेमिंग के दौरान में। वाईफाई से मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो वाईफाई जो है अभी PUBG ग्लोबल है, तो PUBG ग्लोबल क्या है कि इंडिया में बैंड है, तो थोड़ा बहुत हल्का सा कहीं कहीं पर आपको पिंग इशू देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको यहाँ पर टेस्ट कराने वाला हूँ।
तो अभी जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल मेरे गेमिंग पे गौर नहीं करना, क्योंकि गेमिंग में यहाँ पर आपको कोई भी गेमिंग स्किल नहीं दिखा रहा हूँ, गेमिंग कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा कि आपकी मेरे गेमिंग स्किल को यहाँ पर गौर करके, बस यहाँ पर एक परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको FPS ड्रॉप इशू देखने को मिलता है। उसके बाद आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको मैक्सिमम FPS 30 FPS देखने को मिलता है। इनफैक्ट गेमिंग में जब ये गौर करेंगे थोड़ा बहुत पिंग इशू देखने को मिलता है। यहाँ से FPS अगर गौर कर लेते हैं हम लोग तो 38 FPS 35 FPS यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए बाकी जो गेम प्ले आपको 40 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है ना, 40 FPS का ऑप्शन, ऐसा नहीं लगा कि आप 40 FPS गेमिंग कर रहे, ऐसा लगा कि आप 60 FPS गेमिंग कर रहे हो। FPS जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को लगा इस फोन के अंदर में। तो मैं बोलूँगा ओवरऑल जो गेम प्ले मुझे लग रहा है ना फोन का काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा बहुत हल्का सा फ़ोन आपको नीचे की तरफ से वार्म होने लगता है जब हार्डकोर गेमिंग करते हो तो आप, इसलिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा जब भी आप यहाँ पर गेमिंग करें तो रिसेंट टैब से जो है जो भी सारे ऐप ओपन रहते हैं उसको यहाँ से इजीली क्लोज कर दें आप, तभी जा करके आप यहाँ पर एक अच्छा गेमिंग का मज़ा ले सकते हो। बाय द वे स्नैपड्रैगन जो है आपको 732G उतना फार बेटर नहीं गेमिंग के लिए जितना आपको स्नैपड्रैगन, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आपको और फोन लेना पड़ेगा, समझ गए। एवरेज गेमिंग है आपको 70,000 के इस प्राइस रेंज में आपको इतना अच्छा गेमिंग देखने को मिल रहा है। 40 FPS पे आप इजीली 60 FPS का मजा ले सकते हो। तो मैं बोलूँगी गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा, कोई दिक्कतें नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी आपको क्रैश देखने को मिल रहा था 1.9 के रेट के वास्ते, तो आपको 2.0 का बेटा है पबजी का, तो वहाँ पर इसको फिक्स कर दिया गया, समझ गए। एक सवाल ये पूछ रहे थे मुझसे कि भाई गेमिंग के दौरान ब्राइटनेस ड्रॉप होता है क्या, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है ना, फोन आपको हल्का सा नीचे की तरफ हल्का सा वार्म होता है, ज़्यादा हीट इशू नहीं होता है, इतना वार्म तो आपको देखने को मिलेगा जब ज़्यादा गेमिंग करोगे तो, बट ब्राइटनेस ड्रॉप का जो इशू था मुझे वो देखने को मिला नहीं, और बैटरी भी आपको इतना कुछ ड्रेनिंग होने को मुझे लगा नहीं। इनफैक्ट 2-2.5 घंटे आराम से आप दिन भर में गेमिंग कर सकते हो, तो आराम से आपको बैटरी बैकअप जो है एक दिन का आराम से देखने को इस फोन के अंदर मिल जाएगा। अब आप लोगों का जो है एक क्वेश्चन था कि क्या 2022 में इस फ़ोन को गेमिंग के लिए खरीदूं, तो मैं बोलूँगा कि 2022 में इस फ़ोन को 17,000 INR प्राइस पीस को आप गेमिंग के लिए आराम से खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें आपको गेमिंग के अलावा कैमरा भी इसका एवरेज है 120Hz वाला मिलता है आपको। रिफ्रेश रेट्स की वजह से आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। UI भी यहाँ पर बेटर देखने को मिलती है, और 8GB वाला वेरियंट या फिर 6GB वाला वेरियंट जो होता है उसमें भी आपको गेमिंग अच्छा देखने को मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि आपको इस प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन 732G जो है बेस्ट प्रोसेसर है आपको गेमिंग के लिए, आप इजीली आँख बंद करके इसको ले सकते हो। बट MIUI 13 जो है उसके 12 के अपडेट के वास्ते, Android 12 के अपडेट के वास्ते थोड़ी प्रॉब्लम्स आई है, उसको अपडेट करके फिक्स कर दी जाएगी। प्रॉब्लम तो काफ़ी सारे डिवाइस में आई है, इनफैक्ट MIUI में नहीं, जो भी सारे कंपनीज़ हैं वीवो के, ओप्पो के, Xiaomi वगैरह, OnePlus जो भी है, सारे में जब Android 12 आया है तो प्रॉब्लम लेकर के आया है, तो प्रॉब्लम जो है उसको अपडेट करके फिक्स कर दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं होता कि फ़ोन ही ख़राब हो चुका है, समझ गए ना, फ़ोन अच्छा है, आप इसको गेमिंग के लिए आराम से ले सकते हो। तो गाइज ये था पूरा वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, तो थैंक यू वॉचिंग, प्लीज टेक केयर। लेकिन एक लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एक मोटिवेशन के लिए। अगर कोई भी दिक्कत है इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। तो थैंक यू वॉचिंग, प्लीज टेक केयर।